लॉकडाउन समाप्त होने के बाद से संपूर्ण बाजार खुल गया और बाजार में भीड़ भी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में सोमवार को सोमवारी जाम लगने की स्थिति का जायजा लेने एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने पूरे दलबल के साथ जटेपुर चौकी से होते हुए कचहरी चौराहा, गणेश चौराहा होते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर शहर में लगने वाले जाम की समस्या को चिन्हित किया। इस दौरान वाहनों की चेकिंग कर निर्देशित किया कि बिना हेलमेट और मास्क के न चलने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि शहर में लगने वाले सोमवारी जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए आज सड़क पर उतरकर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में गाड़ियों का चालान किया गया है। सड़क पर बिना पार्किंग के खड़ी चार गाड़ियों को क्रेन उठाकर यार्ड में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सड़क पर अगर गाड़ियाँ खड़ी पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग के दौरान TIJP सिंह, TI विनोद शर्मा, TSI हरिद्वार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, अन्यथा गाड़ी की चालान की जाएगी या तो गाड़ी उठ के चली जाएगी। ये नोट कर ले, रोड पे बिल्कुल गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे। हेलमेट बिना मास्क ना निकले, घर से निकलते समय बिना हेलमेट बिना मास्क ना निकले। ये रोड पे जो भी गाड़ियां खड़ी, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, रिक्शा, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं होगी। अन्यथा गाड़ी की चालान की जाएगी या तो गाड़ी उठ के चली जाएगी। दो गज की दूरी, मास्क जरूरी, बिल्कुल ध्यान दे। घर से निकलते समय बिना हेलमेट बिना मास्क ना निकले, अन्यथा गाड़ी की चालान की जाएगी। मार्केट में आज सोमवार के दिन जो भीड़ भाड़ रहती है उसी को देखते हुए जो सड़क के किनारे अनधिकृत रूप से चार पहिया वाहनों की पार्किंग हो जा रही है, दोपहिया वाहनों की पार्किंग हो जा रही है, इसी को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। इसमें चालान किए जा रहे हैं, गाड़ियों को हटवाया जा रहा है, प्रचार प्रसार कराया जा रहा है हेलमेट पहनने के लिए, मास्क पहनने के लिए तथा सड़क पर गाड़ी न खड़ा करने के लिए बताया जा रहा है। जो सफ़ेद पट्टी सड़क के किनारे है उसकी तरफ की गाड़ी को खड़ा करें, इसके लिए लगातार बताया जा रहा है और जो इसमें फेल हो रहे हैं उन पर चालान किया जा रहा है। तो हमारा प्रयास है कि इस तरह से हम व्यवस्था दें कि शहर में अबाध गति से ट्रैफिक चलता रहे और आम जनता को किसी तरह का कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।